अच्छा भाइयों, किसान भाइयों, आपने देखा होगा इस समय कुछ वर्षों से, पिछले 5, 6, 7 साल से देखा जाए तो मानसून का बर्ताव कुछ अलग होता जा रहा है। ऐसा होता जा रहा है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि इसका जो बर्ताव है ये बहुत ज़्यादा जो है दूसरे टाइप का होता जा रहा है, दूसरे प्रकार का होता जा रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है मानसून में बिजलियाँ गिर रही हैं। और आपने देखा होगा कुछ सालों से कि सितंबर का महीना जो है काफ़ी व्यापक वर्षा वाला हो रहा है, जबकि इससे मानसून काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसा ही अगर चलता रहा तो यहाँ पर डेट में मौसम विभाग को और बदलाव करने की संभावना है। लेकिन जो मौसम विभाग ने बदलाव किया है वो भी ठीक ठाक है। हालांकि जो मानसून का आने का समय है वो तो ज़्यादा लेट नहीं हो रहा है, यानी कि 1 जून को है तो 2, 4, 5, 6 जून को आ जा रहा है। लेकिन जी उसका वापसी का समय ये लगभग 1 मंथ लेट होता जा रहा है, और 1 मंथ लेट होने के कारण पानी की कमी जो है सितंबर महीना ही पूरा कर रहा है। ऐसे 2-4 साल और चला तो फसलों का जो बोने का समय है, यानी कि जो बुआई करने का समय है, उसको भी बदलना पड़ेगा, और जो हमारा मानसून का समय है आने और जाने का, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फेरबदल करने की आवश्यकता होगी। आप लोग इस राय के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके नीचे जरूर बताएं कि आप लोग इसके बारे में क्या चाहते हैं। मौसम विभाग को ये राय बदलना चाहिए या नहीं चाहिए, और आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? क्योंकि भाई हमारे हिसाब से और आंकड़ों के हिसाब से तो ये लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। हमारी यूपी की बात किया जाए, क्योंकि हम यूपी में रहते हैं तो यहाँ का भी वही हाल है। सितंबर महीने में काफ़ी व्यापक वर्षा होती है जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। पर सितंबर महीने में धानों की कटाइयाँ हुआ करती थी तो बारिश नहीं होती थी।